आज का लेक्चर। हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने एक यूनिट जो है कंप्लीट कर ली है ना, और आज हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी ही पढ़ाइए, तो आज हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़, हम लोगों ने एक यूनिट बहुत फास्ट ज्वाइन करी है और शेयर करी है। आज हम लोग वन शॉट 20 मिनट में एक यूनिट जो कम्प्लीट की है वो रिविज़न करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग जो तीन चैप्टर हमारे जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल, मैं 15 मिनट में कवर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो 15 मिनट बहुत फास्ट ज्वाइन हो जाइए। मैं शुरू करता हूँ बहुत फास्ट, सिर्फ बोलूँगा इसमें, क्योंकि ये रिवीजन है बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें पहले से याद हो गई होंगी। तो वन शॉट हम लोग 20 मिनट में देखते हैं, देन हम लोग लिविंग वर्ड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी छोटा है। सर वॉइस लो है। अच्छा, अब बताइए बच्चों, क्लियर है वॉइस? आ गए सारे के सारे लोग? शुरू करें बच्चों, बता दीजिए, फटाफट बताइए, शुरू करें। वन शॉट हम लोग शुरू करते हैं। वॉइस लो है, जरा देखो। अब वॉइस जा रही बच्चों? हेलो, क्लियर है सर? एक्स्ट्रा भी बताइए जी बेटा, लिविंग वर्ड में एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। वन शॉट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। अगर हम लोग सेल की बात करें बच्चों, तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने की थी 1662 में। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हम लोग इनकी डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी 1831 में। लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर हम लोग कहें तो डिस्कवरी एंड टर्निंग ऑन लिविंग हाइट साहब ने की थी, है ना। सेल थ्योरी की अगर बात करें, श्लाइडर एंड श्वान साहब ने, श्लाइडर ने जो है बच्चों 1838 की बात की, जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो प्लांट बने होते हैं ये किससे बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। श्वान साहब ने 1839 में अपनी बात कही, इन्होंने कहा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन प्लांट के अंदर पाई जाती है, सलवाल पाई जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं जो है एनिमल की, तो उसमें आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट के अंदर जो है सलवाल पाई जाती है, एनिमल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन, सलवाल यानी एब्सेंट होती है। इन्होंने क्या कहा था, हाइपोथेसिस दी थी सेल थ्योरी की, ठीक है ना। सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बच्चों, कैसे कैसे नए नए सेल्स बनते हैं, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी इसको दिया था रुडोल्फ वर्चाओ साहब ने, यानी हम लोग कहें मॉडिफाइड सेल थ्योरी। रुडोल्फ वर्चाओ साहब ने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो ऑमनी सेलुलर सेलुला, उन्होंने कहा था कि जो से नए पहले सेल एग्जिस्ट करते हैं उसी में माइटोसिस हुई, तो नए नए सेल्स बनते हैं। इस बार हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर मेंब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर सबसेंट होता है, ठीक है ना। और हम लोगों ने यूकैरियोट में देखा था कि न्यूक्लियर मेंब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें बच्चों हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो बनी होती है बेसिक अमीनो एसिड बनी होती है, जिसका नाम होता है मिथाइल एडिनिन, माल याद होगा, मिथाइल एडिनिन एसिटाइल लाइसिन से बनी होती है, जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, इसका लीनियर होता है। अगर हम लोग बच्चों ऑर्गेनेल्स की बात करें, हमने बताया था कि गर्ल छोटी मोटी वकील है, गर्ल यानी गोली वाली एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते थे, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते थे। राइबोसोम जो ऑर्गेनेल्स था ये बच्चों पाया जाता था कि इसमें दोनों में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता था, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता था, हम लोग ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता था, और साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता था। राइबोसोम का फंक्शन था आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता था, प्रोटीन बनाने में काम करता था बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों सेल्स की। अगर सबसे बड़े सेल की बात करें तो हम लोग लार्जेस्ट सेल जो होता है बच्चों एगोपास्टिश होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है न्यूरॉन्स होता है। अगर हम लोग आरबीसी की साइज की बात करें, राउंड एंड बाइकान की होती है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, बैक्टीरिया 3 to 5 होता है, पीपीएलओ की बात करें 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी साइज जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, है ना। हम लोगों ने पता डिवाइड ऑफ सेल वॉल, अगर पूछा जाए कौन सा बैक्टीरिया होता है तो आपको बताना है बच्चों कौन सा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में इन्फेक्शन करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों
जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चों, इनर यानी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसको हम लोग मीजोसोम होती है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है, ट्यूबल के फॉर्म में हो सकती है। मीजोसोम बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा जाए बैक्टीरिया में असेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फंक्शन किसका होता है तो आप बताएंगे मीजोसोम का। मीजोसोम का जो फंक्शन था वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता था, डीएनए रिप्लिकेशन करता था, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता था, इनकी सरफेस या फाइजोमेटिक एक्टिविटी सीक्रेशन करता था, नॉट एक्सक्रीशन, नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना, बहुत सारे सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते थे। अगर हम लोग बात करें बच्चों सेल वॉल की, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर थी वो थिक थी, है ना, और इसमें क्या थी बच्चों थीन थी लेयर। और अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव की बात करें ये पर्पल थे जबकि ग्राम निगेटिव पिंक कलर के थे। अगर हम लोग बात करें बच्चों और बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था साइटोक्रोम साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया था, साइनोबैक्टीरिया आलसो ने ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते थे, नाना नाना नो स्टॉक आना बिना आलोसीरा, आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, है ना। साइटोक्रोम में क्या होता था, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर में क्या होता था बच्चों फोटोसिंथेसिस होती थी, है ना। इसमें हम लोग यूकेरियोट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है 1950 में केमिकल स्टडी आरबीसी की गई थी, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड बाइलेयर 75 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी थिकनेस होती है। हम लोगों ने पढ़ा था पोलर जो हेड होता है बच्चों आउटसाइड में होता है, इनर टेल इनसाइड होती है। इसमें हम लोगों ने देखा लिपिड 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 40% और जो है प्रोटीन 52% थी, 8% में कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल ये सब मिक्स थे। इसमें हम लोगों ने देखा एक्टिव पैसिव मैकेनिज्म होती है, एक्टिव का मतलब होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, पैसिव का मतलब होता है अलोंग कंसंट्रेशन, एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है, पैसिव में ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी आउटर लेयर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फंक्शन होता है बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, अगर इसके ऊपर एब्सेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या होता है, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और लिपिड की सिंथेसिस के लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुए हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन कौन निकलते हैं, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स एल्ड्रोस्टेरोन बोलते हैं, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल बोलते हैं, और अगर गोनेड्स की बात करें बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इससे रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन से रिलीज होते हैं। इनका फंक्शन से आपको हमने सारी चीजें बताई थी सर, वाइस इको प्रॉब्लम है, देखो उसको सही करो भाई, सब मेहनत बर्बाद सर, कमेंट्स सर अगेन देयर वॉइस प्रॉब्लम, ओ शिट, वेट वेट बच्चों वेट सर, आज आपके प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कैसे दें, इको गड़बड़ है, ओके वेट 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 बच्चों वेट वेट वेट, आप लोगों को भी देखना चाहिए यहाँ पे कमेंट, कम से कम बताना चाहिए कि इको आ रही है। वेट बच्चों, अरे हेलो हेलो हेलो, अब बताइए बच्चों, सही है।
हेलो। बच्चों ने बोली थी एक बार चेकअप होता है, बोलिए। हेलो हेलो, क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग नया लेक्चर ही, नया चैप्टर ही शुरू करते हैं, ठीक है ना? रिवीजन छोड़ो अब, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चों लिविंग वर्ड की, ठीक है ना? लिविंग वर्ड की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रोथ। अगर हम देखें लिविंग की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों। आर्नेस्ट मेयर की बात करें अगर, तो इनका बोर्न जो हुआ था बच्चों, बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904, कैम्पटन जर्मनी, ठीक? आर्नेस्ट मेयर का 5 जुलाई 1904। और इनकी डेथ भी आप देखिए सन 2004 में हुई थी। इसका मतलब इनका लाइफ स्पैन अगर हम देखें, कितने साल थे बच्चों ये? 100 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन था, ठीक है? इनको बच्चों ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक? इन्होंने 3 प्राइज जीता था, इस वजह से इनका नाम, वन इज बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, एंड क्रॉफर्ड प्राइज इन 1999, ठीक? 3 प्राइज इन्होंने जीता था, इसी वजह से इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक? 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन बेटा आ चुका है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इन्हें कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है? डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमिडिएटली आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ऑफ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये क्या है बच्चों? यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कैन बी वन कैन एडेड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबोलिज्म एंड एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लीकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज इंट्रैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक? अब हम बात करते हैं अगर ग्रोथ की, तो समझिएगा कुछ स्पेस हमारे ऊपर खाली हुई है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक? हम बात करते हैं बच्चों ग्रोथ की। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल, सेल का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, ठीक? बच्चों मास का, इंक्रीज इन मास नंबर क्या कहलाता है? ग्रोथ। मास का बढ़ना भी क्या कहलाता है बच्चों? ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है, ठीक? साइज का बढ़ना, इंक्रीज इन साइज ग्रोथ कहलाता है, ठीक? साइज का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, ठीक? नंबर का बढ़ना भी क्या कहलाता है बच्चों? ग्रोथ। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया का बढ़ना, ग्रोथ। दूसरी चीज लेंथ का बढ़ना, इंक्रीज इन लेंथ बच्चों ग्रोथ कहलाता है, ठीक? इंक्रीज इन हाइट, का बढ़ना, इंक्रीज इन हाइट क्या कहलाता है बच्चों? ग्रोथ कहलाता है। तो समझते चलिएगा, अब मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, सरफेस एरिया का बढ़ना ग्रोथ। आपने लीफ में पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना? साइज का बढ़ना आपने पढ़ा होगा वाटरमेलन के अंदर, याद आ रहा है बच्चों?
गर्मियों में आपने बहुत ज़्यादा वाटरमेलन का यूज़ किया, जिसकी साइज बच्चों मोर देन 350 लाख टाइम जो है बढ़ जाती है। कितना? मोर देन 350 लाख टाइम। अब बताइए 350 लाख और क्या पाया जाता है? 1.5 से 350 लाख और क्या पाया जाता है बताइए बच्चों? मोर देन 350 और 350 लाख हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 1.5 टू 350 लाख। नंबर का बढ़ना बच्चों ग्रोथ कहलाता है। रूट हेयर सेल्स में आपने पढ़ा था, प्लांट फिजियोलॉजी में, रूट हेयर सेल में कि मोर देन 17,500 सेल्स पर हार फॉर होते हैं। याद आ रहा होगा, इस चैप्टर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। रूट हेयर सेल्स मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर हार फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहां पे खास बात और देखिए, लेंथ, ये लेंथ और हाइट में डिफरेंस क्या होता है? मैंने लिखा लेंथ और हाइट में, बच्चों लेंथ में और हाइट में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम बात करें लेंथ और हाइट की, तो लेंथ और हाइट में डिफरेंस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा लेंथ? बताइए, कोई मुझे बताएगा? कोई नहीं बता रहा। तो लेंथ और हाइट में फर्क क्या होता है बच्चों? हाइट हमेशा हम लोग वर्टिकल मेजर करते हैं। कैसे बच्चों? वर्टिकल। और लेंथ हमेशा हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं, ठीक। और होता क्या है कि जैसे जो बच्चे होते हैं, जब आप एमबीबीएस करेंगे और आप फाइनल ईयर में जाएंगे, तो आपको पीडिया पढ़ाया जाएगा, पीडिया सब्जेक्ट बच्चों के लिए। तो लेंथ टर्म हम लोग यूज करते हैं बच्चों अप टू टू ईयर। कितने साल तक? 2 साल के बच्चों तक हम लोग जो है यूज करते हैं लेंथ, ठीक है ना। और हाइट हम लोग मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में हम लोग यूज करते हैं जो है हाइट का, ठीक। क्लियर? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा। तो यहां पे क्या है बच्चों? मास का बढ़ना, सरफेस एरिया का बढ़ना, है ना, सबको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे, ठीक। चलिए आइए ऊपर की तरफ, अब एनसीईआरटी देखते हैं। अगर मास और, अब याद रखिएगा बच्चों मोंटू, क्या याद रखिएगा? मोंटू। मोंटू का मतलब इंक्रीज इन मास, मास एंड इंक्रीज इन नंबर, एंड इंक्रीज इन नंबर, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ कब होगी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रोथ कब होगी, है ना। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर हम खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों ऐसा है, है ना। तो होता क्या है कि बच्चों मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होती है। एक होती है एनाबोलिक प्रोसेस। क्या होती है? एनाबोलिक प्रोसेस। दूसरी होती है बच्चों कैटाबोलिक। क्या होती है? कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक। एनाबोलिक का मतलब होता है बच्चों सिंथेसिस। क्या होती है? सिंथेसिस। एंड कैटाबोलिक का मतलब कटना। कैटाबोलिक का मतलब कटना, कौन कटेगा? बड़ा मॉलिक्यूल्स। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। अगर ग्रोथ आपकी तभी पॉसिबल है बच्चों, ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एनाबोलिज्म मोर देन कैटाबोलिज्म हो, तभी आपकी ग्रोथ होगी। जब एनाबोलिज्म मोर देन होगा कैटाबोलिज्म, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर एनाबोलिज्म इज इक्वल टू कैटाबोलिज्म है तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, होगी लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, है ना। और जब ये कम हो जाएगी, यानी कैटाबोलिज्म इज मोर देन एनाबोलिज्म हो जाए बच्चों, तो माल नरिश्ड हो जाएंगे आप, माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाएगा, क्वाशियोर्कर डिसीज हो सकती है ना, मैरस्मस हो सकता है, तो ये सारी बीमारियां जो है होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग भी जो है खाना ज़्यादा खाइए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या जो चाह रहे हैं बहुत थिन हैं, वो चाह रहे हैं मोटे हो जाएं, ठीक है ना, तो जो है मिल्क का यूज़ ज़रूर करें, ठीक, मिल्क का यूज़ करें। और होता है
कि जब हम लोग ग्रोइंग पीरियड में होते हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारे फैट को जो है ब्रेक डाउन करता है। ग्रोथ हार्मोन का एक फंक्शन और होता है, हमारे फैट जो एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट नहीं होता है, इस वजह से जो स्कूल एजिंग हम लोगों की होती है, जो चाइल्ड होते हैं 12th तक होते हैं, 12th के बाद उनकी अच्छी खासी जो है सेहत बनती है, उसके पहले सेहत नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है उनमें। खैर कोई नहीं, आप लोग अच्छे से खाना खाइए, दबा के खाइए, हौंक के, ठीक। चलिए आइए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। क्या कहलाएगा? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या याद रखना है बच्चों? मोंटू, मोंटू, मोंटू बॉस, है ना। क्या याद रखना है? मोंटू, क्लियर। चले अब कह रहा है कि बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब मैं बात करता हूं बच्चों प्लांट और एनिमल की, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं एक साइड में ताकि बात समझ में आए। अगर हम लोग बच्चों एनिमल की बात करें, किसकी बात करें? एनिमल की। तो एनिमल के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ जो है एक समय तक होती है, ठीक है ना। ग्रोथ एक समय तक होती है एनिमल के अंदर, ठीक, यानी अप टू सर्टेन स्टेज, अप टू सर्टेन स्टेज तक ही ग्रोथ होती है, क्योंकि टीलोमेरेज जो होता है वो क्या होने लगता है? ख़त्म होने लगता है। टीलोमियर पे बहुत ज़्यादा डिस्कवरी चल रही बच्चों, साइंटिस्ट इसी पे डिस्कवरी कर रहे हैं, क्योंकि टीलोमेरेज इंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है रिप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और हम लोग जो है जल्दी जल्दी किस में चले जाते हैं? ओल्ड स्टेज में, सीनेसेंट फेस में चले जाते हैं। टीलोमेरेज पे डिस्कवरी चल रही है, अगर ये डिस्कवर हो गया तो हम लोग जो है बूढ़े होंगे ही नहीं, ठीक। तो एनिमल में अप टू सर्टेन स्टेज तक क्या होता है बच्चों? ग्रोथ होती है, ठीक। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करते हैं, और एनिमल में जो होती है बच्चों क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ अकर। अगर हम प्लांट की बात करें बच्चों, तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है बच्चों, ये अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड क्यों होती है, ठीक? अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इसके पास पाया जाता है मेरिस्टम। क्या पाया जाता है बच्चों? मेरिस्टम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये डिवाइडेशन इतना फास्ट होता है कि ये ओल्ड स्टेज तक भी डिवाइड करते रहते हैं। यानी प्लांट कभी बूढ़ा नहीं होता, एनिमल बूढ़ा होता है, ठीक। स्पीड बढ़ाएं सर जी। बेटा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा। चैप्टर छोटा भी है ना, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लांट में क्या है बच्चों? और प्लांट के अंदर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और मेरिस्टम प्रेजेंट होने की वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो यहां पे जो है कुछ लाइन एनसीईआरटी की देख लेते हैं। कह रहा है कि इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअस थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन स्टेज, सर्टेन स्टेज तक होती है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अरे माइटोटिक डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर होता है। मेरे यहाँ इंजरी हो जाए, अगर मेरे यहाँ इंजरी हो गई तो तुम इसको क्या कहोगे? ग्रोथ हो रही है, हाँ, रिपेयरिंग। माइटोटिक डिवीजन से सेल रिपेयर कर रहा है अपने आप को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों? सेल डिवीजन होगा, एक ही सेल है, ठीक। इसका डिवीजन हुआ, ये बन गए दो सेल, ठीक। और इसी को सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को ही हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। वन कैन इजीली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे ग्रोथ होगी। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होती है बच्चों? दोनों ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर डेट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बता ही चुके हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
आल्सो ग्रो। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे ग्रो करती है बच्चों? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसी लॉकडाउन में आप अपने रूम को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, है ना, जहां भी आप स्टडी कर रहे थे, मान लीजिए आप कानपुर में पढ़ रहे थे या लखनऊ में पढ़ रहे थे, तो जब आप पलट के आएंगे वहां पे तो आप देखेंगे पेपर के ऊपर मास जो है इकट्ठा हो जाता है ना, कुछ सॉयल के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसका मास कुछ तो बढ़ा। या आप ऐसे समझिए रेत, डिजर्ट एरियाज में चले जाइए, तो इसमें क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो एक हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो जो सॉयल्स होती हैं वो उठ के ऊपर आ जाती हैं, तो एक बड़ा सा एरिया कवर कर लेती हैं, है ना, तो उसका मास तो बढ़ रहा है ना। तो अगर मास को आप कंसीडर कर रहे हैं ग्रोथ को, तो हम लोग यही बोलेंगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ कहोगे? जैसे मान लीजिए ये बच्चों सॉयल के पार्टिकल्स हैं, हवाएं चली और तेज, ये इनका मास बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ बच्चों? एक्सटर्नल ग्रोथ आप कहेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ होती है। क्लियर? चलिए तो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, आल्सो ग्रो इफ टेकिंग इज बॉडी मास क्राइटेरिया ऑफ द ग्रोथ। माउंटेन्स, माउंटेन्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, सैंड मून्स डू ग्रो, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या हुआ, मटेरियल जमा। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कहां होता है बच्चों? इनसाइड। याद रखिएगा, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर पूछा जाए कि क्या ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे नहीं। जब वो कहेगा इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे हाँ इंटरनल है, ठीक, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, कोई नहीं, बढ़ा रहे हैं बेटा। आप लोगों की डिमांड पे ही हमने जो है एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया, बढ़ा रहे हैं। देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, इंटरनल अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको डिफाइनिंग फीचर्स हम मानेंगे। ये लिख लीजिएगा इंटरनल ग्रोथ को, एक्सटर्नल को नहीं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व ऑल लिविंग ऑर्गन कैन बी एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड, ठीक। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, जो बहुत जरूरी है ना, रिप्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, बिल्कुल सही। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी एनी फीचर्स सम आर मोर लेस टू दिस पेरेंट्स, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? जाहिर सी बात है, स्पर्म आएगा, ओवा आएगा, फ्यूजन होगा एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे, लेकिन एम्पुल्ला लगाना, आप एम्पुल्ला रीजन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा, है ना, फीटस बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन आएंगे बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी वजह से वेरिएशन आता है क्योंकि आपने पढ़ा था कि क्रॉसिंग वर पैगेटिन स्टेज में होती है, ताकि तभी इन दोनों का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर होता है। दो क्रोमोसोम मैंने बताया था, कल कह रहे थे आप, तो पेरेंट्स से कह रहा है कि आप तो ऊपर फ्यूज हुए, लेकिन क्या हम नीचे फ्यूज नहीं होंगे? हम भी क्रॉसिंग वर करेंगे, तभी तो कैरेक्टर एक्सचेंज होगा, तभी तो नई जनरेशन में वेरिएशन देखने को हमें मिलेंगे, है ना। लेकिन बस पड़ोस करना हो, नहीं तो पापा से मिलेगा नहीं वो, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, ठीक। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा में बच्चों बडिंग, याद रखिएगा बडिंग कहां, ईस्ट एंड हाइड्रा प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स, सबसे ट्रू रीजनरेशन। अब देखिए बच्चों, एक होता है ट्रू रीजनरेशन और एक होता है बच्चों रीजनरेशन, ये दो वर्ड हैं समझ लीजिए। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है बच्चों कि एक छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी का बन जाना, एक छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी का बन जाना कहलाता है ट्रू रीजनरेशन। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ये लें, मान लीजिए ये जो है एक पार्ट है, मैंने इसको पॉन्ड में ऐसे फेंक दिया, पॉन्ड में जब मैंने इसको फेंक दिया तो इससे बच्चों पूरा क्या बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको मैं बोलूंगा ट्रू रीजनरेशन, ठीक है ना। आपने लीजार्ड में देखा होगा, अगर हेमिडैक्टाइलस लीजार्ड की बात करें तो उसमें रीजनरेशन होता है। जब आप उसको मारने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी टेल को ब्रेक कर देती है ताकि आप उसके पीछे लग जाएं और वो धीरे से निकल जाए। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नेचर ने उसके अंदर दी थी, क्या दी थी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नेचर ने उसके अंदर दी थी। तो रीजनरेशन कहां होता है बच्चों, लीजार्ड में।
पूरी बॉडी पार्ट्स नहीं, सम बॉडी पार्ट्स रिजनरेट होते हैं. फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए. द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गिंग प्रोटीन ऑफ मास आल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन. याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे भी इसके बाद. वेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ. जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइन ग्रोथ एज यू कैलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास. बिल्कुल सही. अब कह रहा है कि हेंस वी नोटिस डैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दीज यूजेज ऑफ टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. फर्दर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बच्चों. म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ये तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इनफर्टिलिटी, नपुंसकता सबसे ज्यादा जो है मेल में कॉज होता है. नपुंसकता सबसे ज्यादा खराब चीज है, हर कोई परेशान है अपनी इस इनफर्टिलिटी से. इनफर्टिलिटी के कॉज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बॉयज खास तौर से सुन लें, क्योंकि नेचर ने स्क्रोटम को बाहर बनाया था, टेस्टिस को बाहर बनाया था, स्क्रोटम के लिए टेस्टिस को बाहर बनाया था ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. लेकिन आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे हीट बहुत ज्यादा है, ठीक, हीट बहुत ज्यादा है, फर्नेस में काम कर रहे हैं, तो आपको इनफर्टिलिटी के चांस हो सकते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो सकता है. आप जो है कोई साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा होता है कि इनफर्टिलिटी कर देती है, ठीक है ना. या डिसलाइक ऑफ द पार्टनर, बहुत ज्यादा देखा गया है कि पार्टनर डिसलाइक करते हैं लोग, ठीक है ना, लोग पसंद नहीं करते हैं जाने में, लेकिन उसको अगर कोई दूसरी फीमेल से जो है रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो वो फर्टाइल होते हैं. तो साइकोलॉजिकल और डिसलाइक ऑफ द पार्टनर, ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा कॉज है. और मेल सबसे ज्यादा समझे, टाइट अंडरवियर का पहनना भी इनफर्टिलिटी का कॉज है. तो टाइट अंडरवियर बॉयज जितने हैं सुन लें, टाइट अंडरवियर भी मत पहनो, नहीं दिक्कत होगी आगे, ठीक. हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी आर इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक. अब एनदर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मेटाबोलिज्म, ठीक. मेटाबोलिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंजेज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. The conversion are chemical reaction or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism. हमारे अंदर जो है बहुत सारी reactions जो है क्या होती हैं बच्चों, चलती रहती हैं, ठीक. अब unicellular multicellular organism की अगर हम बात करते हैं बच्चों, all plants and animals, fungi, microbes exhibit metabolism. Sum total of all chemical reactions occurring in body is metabolism. अभी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, वो आपको पता हो गया. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग. हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर्स of all living organism without exception, यानी हम कहें विट्रो में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं. विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. याद रखिएगा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन विट्रो आर नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन. तो याद रखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबोलिज्म क्या डिफाइनिंग फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ठीक है ना. डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए उसको डिफाइनिंग फीचर्स हम लोग कहेंगे. अब परहैप्स मोस्ट ऑब्वियस, ठीक. और दूसरा देखिए, दूसरी और कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बच्चों इंपॉर्टेंट, कॉन्सियसनेस. वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गेनिज
सेंस ऑर्गन्स लाइक, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बच्चों? आई हो गए, ईयर हो गया, स्किन हो गया, इन सब से हम लोग क्या करते हैं? सेंस करते हैं, ठीक। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड करता है बच्चों लाइट को, वाटर को और टेम्परेचर को, अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म नेचर ने बनाए सबके अंदर सेंसरी सिस्टम डेवलप किया। ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है किसका है बच्चों? ह्यूमन के अंदर नेचर ने बनाया, ठीक है ना। फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही। फोटो पीरियड, हवाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं, फिजाएं बहुत अच्छी हैं, है ना, और जो है मौसम अच्छा है तो तुम्हारा खुद मन कहेगा रिप्रोडक्शन करने का, है ना। या लाइट कहीं से आ रही है तो रिप्रोडक्शन करने का मन नहीं कहेगा कि बंद करो पहले। तो ये चीजें यानी तुम्हें क्या करेंगी? प्रेरित करेंगी, प्रभाव डालेंगी तुम्हारे ऊपर कि रिप्रोडक्शन करो। यानी फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है, मौसम अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोटो पीरियड दोनों पे अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटिंग दियर बॉडीज, द ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। Consciousness therefore becomes a defining property of living organism. अब defining features कौन कौन से हो गए बच्चों? एक हो गया metabolism. ये defining feature है, characteristics अलग हैं, defining features अलग है, metabolism हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया बच्चों? Cellular organization, ठीक। और क्या हो गया? Consciousness, consciousness। और क्या हो गया? Internal, इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ है बच्चों, इंटरनल ग्रोथ। अगर मैं पूछूं कि क्या ग्रोथ जो है, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स है, तो आप कहेंगे नहीं, इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। क्लियर? चलिए कराते हैं बच्चों, बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें बच्चों, इफ़ यू लुक अराउंड, यहाँ पे एक पॉइंट जो है बस इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, ठीक है, ये सब पॉइंट कुछ नहीं है, बस ये याद रखना एक पॉइंट। द नंबर ऑफ स्पीशीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million, कितनी बच्चों? 1.7 to 1.8 million रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था ये कौन बताएगा? बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था बच्चा, ये कौन बताएगा मुझे? पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन, याद रखिएगा ये इकोलॉजी में है बेटा, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, याद रखिएगा एडवर्ड विल्सन साहब। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। अब देखिए, नीड टू हेंस इंसिडाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज नॉमेनक्लेचर। अब जैसे देखो, नॉमेनक्लेचर की शुरुआत कैसे हुई, नॉमेनक्लेचर क्यों देना पड़ा? जैसे मान लीजिए आप, आपके यहाँ जो है बच्चों डॉग, डॉग का नाम जो है अलग अलग विलेज में आप चाहें तो अलग अलग जो है आपको नाम मिल जाएगा। कहीं जो है अलग हम बोलेंगे नहीं, अब आप लोग समझिए, है ना, कहीं अलग अलग नाम होता है, है ना, कहीं अलग अलग लोग अलग अलग, जब हम विलेज में चले जाओ कुछ और कहेंगे, ठीक ना। तो सबका जो है एक पार्टिकुलर नेम देना बहुत ज़रूरी था कि जिसको ऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं स्टडी करने, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेकिन कब्रिस्तान ना जाना, ठीक है। कहीं भी आप जाएं तो आप क्या करेंगे बच्चों, वहां पे एक कॉमन नेम आपको दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा जिससे आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बस कब्रिस्तान ना जाना, आकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह चले जाना, ठीक। चलो अब उसके बाद देखो, ऑब्वियसली द नॉर्मन क्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर डिस्क्राइब करेक्टली, यस, तभी आप बता सकते हैं। नॉन टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म।
दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे दो तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया था बच्चों, ये फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत जरूरी है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, बहुत बार पूछा गया है कि आईसीबी और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है बच्चों आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, याद रहेगा, दो ही है बच्चों, याद करते हुए चलिए अभी, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, सही बात है। साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एबल टू, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं ये बच्चों, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन लिनियस साहब ने दिया था, और यहां भी अगर हम लोग बात करें तो लिनियस साहब का बड़ा योगदान रहा है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, यानी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, ये पूछा जाएगा बच्चों, तो बताइएगा कैरोलस लिनियस साहब। अब हम लोग जीन और स्पीशीज में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। अगर बच्चों हम जीन की बात करें, जीन और स्पीशीज, ठीक, जो पहला वर्ड फर्स्ट वर्ड ये क्या होता है बच्चों, जीनस। एस से स्पीशीज, एस से बच्चों सेकंड, एस से सेकंड और एस से स्मॉलर, और जीनस क्या होगा, लार्जर यानी कैपिटल लेटर में होगा। कहने का मतलब है कि ये किस में होगा बच्चों, कैपिटल लेटर में होगा, किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ये होगा बच्चों कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर के, समझ गए। जीनस और स्पीशीज में डिफरेंस, एस से स्पीशीज, एस से स्मॉल, एस से सेकंड, जीनस यानी फर्स्ट और किस में होगा, कैपिटल लेटर में। एक अगर पता चल गया तो दूसरा तो पता चल जाएगा ना। अब यहां पे देखो, दिस नेमिंग एंड कैरोलसनेस बीइंग प्रैक्टिस बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेमिंग ऑफ सिस्टम यूजिंग टू मेथड्स फाउंड कन्वीनियंट लेटर्स। हम लोग एग्जाम्पल आइए देखते हैं। अब ये जो है बेटा, आपको चार पॉइंट हैं ये रटे होने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। देखो पहला वर्ड कैसा है बच्चों, कैपिटल में है, दूसरा वाला स्मॉल में है, तो पहला जीनस हो गया, दूसरा स्पीशीज हो गया, पहचान लोगे। अब यहां पे कह रहा है बच्चों, लेकिन अगर मैंगीफेरा इंडिका लिनियस लिखा जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिनियस साहब ने डिस्कवरी की थी। अब यहां पे कह रहे हैं अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर, पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो याद रखिएगा लिथियम, क्या याद रखिएगा बच्चों, एल आई यानी लिथियम, एल आई किस में होता है जनरली लैटिन में, रिटन इन इटैलिक्स, एल आई यानी लिथियम जनरली किस में होता है बच्चों, लैटिन में, और रिटन इन इटैलिक्स ये खत्म हो गया। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकेंड डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर। बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम रिटन हैंड रिटन और जनरली सेपरेटली अंडरलाइंड और पेंटेड इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जैसे मैं लिख रहा हूं ये, बताइएगा इसमें कौन सा सही है बच्चों। और यहां पे भी देख लो, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर वाइज स्मॉल स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, बताइए कौन सा सही है, मैंगी फेरा इंडिका, बताइएगा बच्चों कौन सा सही है, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक। मैंगी फेरा इंडिका, ठीक, और मैंगी फेरा इंडिका, बताइएगा कौन सा सही है,
अब सब कह रहे हैं कि अभी बता कितना सही है, ये बताना है कितने एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं सही हैं। मैंगी फेरा इंडिका कौन सा सही है बच्चा, कौन सा सही है, कौन सा सही है? कुछ लोग तीसरा कह रहे हैं, वन टू थ्री। चलो इसको हम लोग मान ले रहे हैं वन, इसको मान ले रहे हैं टू, इसको मान ले रहे हैं थ्री, इसको मान ले रहे हैं फोर, और इसको मान ले रहे हैं फिफ्थ। कौन सा सही बच्चों? थ्री थ्री थ्री। पंखुरी सागर आल रॉन्ग, थर्ड वाला सब वही हो। फिफ्थ पार्ट मलिका, मलिक एहतशाम, मलिक एहतशाम बिल्कुल सही। फिफ्थ कनीज फातिमा, फिफ्थ बिल्कुल सही। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे तो अंडरलाइन मैंने नहीं किया, ये तो हो गया गलत। अब यहां पे मैंने किया लेकिन यहां पे छोड़ दिया, ये हो गया गलत। ये देखो मैंने किया लेकिन इसमें स्पेस नहीं दी। बाबू कैसे तीसरा तुम कह रहे हो? सेपरेटली अंडरलाइन को पकड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। यहां पे वो कह रहा है कि सेपरेटली हम लोग अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन। ये एक साथ अंडरलाइन किया गया है बच्चा पार्टी। कैसे खिचखिच खिचखिच कर रहे हो तुम लोग, कैसे गलत कर रहे हो? ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही गलत करके आओगे, उसके बाद कहोगे ओ माई गॉड शिट, बस कुछ नहीं होता है। 90 में 90 लाना है, ठीक है ना? मैं कराऊंगा 90 में 90, समझ रहे हो ना? एक एक लोगों का 90 में 90 आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, बस देखते जाओ। अब यहाँ पे क्या है, महंगी फेरा इंडिका, ये देखो कैपिटल में लिख दिया है ना बाबू, ये तो गलती है हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, सेपरेटली अंडरलाइंड है, पहला वाला कैपिटल में है, ठीक है ना? अगर मैं इसी के आगे लीनियस बढ़ा दूं तो ये और अच्छा हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था, ये भी ऑप्शन में दिया था, लेकिन उसके आगे अगर मैं एक और ऑप्शन बढ़ाऊं बच्चों, तब आप किस पे टिक करेंगे, आप बताइए। मैं यहां पे लिख दूं अगर महंगी फेरा इंडिका, महंगी फेरा इंडिका और लीनियस, अब बताइए कौन सा ऑप्शन, अगर इसमें आपको चूज करना है एक ऑप्शन, तो ये सिक्स में कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, बताइए इसमें आप कौन सा चूज करेंगे? अगर मैं ये छह ऑप्शन दे दूं आपको, तो आप कौन सा चूज करेंगे बच्चा पार्टी? फिफ्थ ही चूज करोगे। अब फिफ्थ गलत हो जाएगा बेटा, अब फिफ्थ गलत हो जाएगा अगर मैं इसमें छह ऑप्शन, ये छठा ऑप्शन बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि लिनियस साहब ने डिस्कवरी की थी, तो इनका नाम बाद में अगर लगा दो तो वो ऑप्शन ज्यादा ही अच्छा हो जाता है, वो ऑप्शन और जबरदस्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही। यानी कौन सा जाएगा बच्चों? सिक्स वाला जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिफ्थ वाला जाएगा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है, 90 में 90 आना चाहिए। जो टेस्ट होने जा रहा है, अगर बायोलॉजी में 90 में 90 नहीं आया तो फिर समझ लेना छोड़ेंगे नहीं हम, इतना बता दे रहे हैं। अब यहां पे देखो, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटन इन एन वेटेड फॉर्म, जैसे महंगी फेरा इंडिका लिनियस। देखो दिखा सबको, यही क्वेश्चन पूछा गया था और सब गलत करके आए थे, ठीक। इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियस, क्योंकि पहले, सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लिनियस साहब ने, इस वजह से। और बायोलॉजी जो बेटा सिक्स आपका 50% स्कोर करेगी, तो इसको बिल्कुल जो है आप हल्के में ना लें। हाँ हाँ, लिनियस का अंडरलाइन नहीं होगा सिम्मी, बिल्कुल सही। लिनियस को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, लिनियस को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्लियर? चलिए, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू टेक पॉसिबल दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। अब देखो, क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि स्टडी आसानी हो जाए। अब मैं कैट वाली फैमिली को कैट में रख दूं, बर्ड वाली फैमिली, बर्ड वाले बर्ड के जितने मेंबर हैं मैं बर्ड में रख दूं, बर्ड वाले क्लास में, है ना? पोरीफेरा के जितने मेंबर हैं मैं पोरीफेरा में रख दूं, ठीक। फिश वाले जितने हैं मैं फिश वाले में रख दूं, मैमेलिया वाले जितने हैं मैमेलिया में रख दूं, तो ये पढ़ना आसान हो गया ना। तो क्लासिफिकेशन से फायदा क्या है? क्लासिफिकेशन से हमें स्टडी आसान बनाता है, हमें पढ़ने के लिए जो है आसानी हो जाती है, इसका फायदा है, ठीक। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स,
अब इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया बच्चों, मैंने यहां पे दो एग्जांपल ले लिया, चलो एक मैं ले ले रहा हूं फिश, मैं यहां पे ले ले रहा हूं बच्चों फ्रॉग, अब मैं यहां पे ले ले रहा हूं बैट, ठीक, मैं यहां पे ले ले रहा हूं बच्चों कैट, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंस ऑफ ईयर, क्या प्रेजेंस ऑफ ईयर पे हमें स्टडी करनी है कि ये चारों में किसमें ईयर पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे ईयर किसमें पाया जाता है, बैट और कैट में जो हमें दिखता है, तो मैं क्या कहूंगा कि बैट और कैट को अलग कर लो, इसकी स्टडी हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहूं कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अलग कर लो, तो हमें स्टडी आसान हो जाती है, है ना, स्टडी क्या होती है, आसान हो जाती है ऐसे हम लोगों को डिफाइन करने पे। अब यहां फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट, इंसेक्ट्स, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म एसोसिएट विद द सर्टेन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, ठीक। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस डॉग डॉग एंड नॉट कैट, नाउ वी थिंक वी नो डैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिमिलरिटी, सपोज वी आर मैमल्स। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सी बात अच्छी लिखी हुई है, कह रहा है कि बच्चों कि यू वुड ऑफकोर्स थिंक एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर, अगर एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाया जा रहा है बच्चों तो आप उसको कहाँ रखेंगे, आप उसको कहेंगे जाओ भाई तुम मैमलिया में जाओ, तुम मैमल वाले हो। Likewise, plants talk of wheat, picture of each of our minds will be, आपने देखा होगा, आप पहचान जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देखेंगे, तो वो यही बात कह रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि categories, we use study of organism, scientific term of these categories taxa, क्या बोलते हैं बच्चों taxa, you must recognize that taxa can indicate category at very different levels, जैसे plants also form taxa, wheat भी taxa बनाएगा, animals, mammals, dog all are taxa, बट यू नो डैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल, ठीक, सिंपल है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है अभी हम बताएंगे कार्निवोरस होते हैं, ठीक है ना, ओमनीवोरस होते हैं, सारे सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as taxonomy. External as well as internal structure, along with the structure of the cell, development of process and ecological information of organism is essential on the basis of modern taxonomy. अब यहाँ पे कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे, पहली लाइन, हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये चार चीजें कौन कौन सी बच्चों, कैरेक्टराइजेशन आप याद रखिएगा किक नोमान, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर, ये प्रोसेस क्या है टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड नोइंग मोर एंड मोर अबाउट दी वेरियस काइंड ऑफ, ठीक है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, आगे आते हैं। अब यहां से पढ़ो, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग्स आर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग मोर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिलेशनशिप अमंग देम, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, हमारे अंदर लालच है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की जो है क्या कर रहे हैं बच्चों, अच्छा स्पीड बढ़ा दें, चलो चलो बढ़ा रहे हैं स्पीड। सिस्टमेटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जैसे आपने पढ़ा था पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, है ना, एस्केल्मिंथ, पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटी हेलमिन देना एसके हेलमिन, यानी ये सब का एक सीक्वेंस में रखा जाना कहलाता है सिस्टमेटिक्स। तो यहां पे बनाया गया कि जो ऑर्गेनिज्म पहले आया उसको पहले रखा जाए, जो उसके बाद आया उसको उसके बाद रखा जाए। ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हर ऑर्गेनिज्म का करना है हमें, ये नहीं कि बीच में किसी और को घुसा दिया, वहां पर किसी और को घुसा दिया, ठीक। चलिए अब यहां पर देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज,
क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं बच्चों, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरी टू इधर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अभी मैं बताऊंगा हायरार्की का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, हायरार्की का मतलब होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, स्पीड बिल्कुल बढ़ा रहे हैं बच्चों। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द कॉमनली टर्म्स एज टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्की विल, ठीक है, एग्जांपल इंसेक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो कह रहा है कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, है ना, आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल करेक्टर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दिस वेयर गिवन आवर कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब भाई इसमें सिक्स हेक्सापोडा, हेक्सापोडा वाले हैं, तो यानी ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हो गए। किसके मेंबर हो गए बच्चों? आर्थ्रोपोडा के मेंबर हो गए, आपने पहचान लिया। और ये इसी वजह से क्या होते हैं? गुड रनर होते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर गुड रनर होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसमें छः छः पैर पाए जाते हैं, हेक्सापोडा होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बेसिस से हम लोगों ने पहचान लिया ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक और ईच रैंक रिप्रेजेंट द टैक्स ऑन एट डिफरेंट लेवल्स। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम, तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे आइए स्पीशीज की बात करते हैं। अगर हम लोग स्पीशीज देखें बच्चों, आप यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, बेहतरीन डायग्राम है, इसको पहले देख लेते हैं। ऑर्डर, क्लास, ये डायग्राम पहले देख लो, ठीक। ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं चलना है। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे बेटा, तो कहीं जाना नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, पूरा नहीं आ पाएगा, आ गया, ये देखो, इसको पहले याद रखना है, इसको याद रखना है बच्चों। कैसे याद रखना है? किंग, किंग पी सी ओ, पी सी ओ होता था पहले जिससे हम लोग बात करते थे, किंग पी सी ओ। फेमस, फेमस किससे हुआ बच्चों? जेंट्स, जेंट्स, जेंट्स से, ठीक। किंग पीसीओ फेमस जेंट्स से। स्मॉलेस्ट कौन है बच्चों? स्पीशीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज से। अब ये याद रखना कि किधर जा रही है इसकी एरो, एरो पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पीशीज से बना जीनस, जीनस से बच्चों फैमिली, फैमिली से ऑर्डर। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे बच्चों, कॉमन कैरेक्टर घटेगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों? डिक्रीज होंगे, यानी हम कहें सिमिलैरिटी कम होगी, डिससिमिलैरिटी बढ़ेगी, ठीक। डिससिमिलैरिटी क्या होगी? डिससिमिलैरिटी इंक्रीजेस एंड कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये याद रखिएगा, किंग पीसीओ फेमस जेन से। इस बार क्वेश्चन यही आएगा सीक्वेंस, नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 यही होगा, समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन नंबर 70 यही आएगा। इसको आप जो है, अच्छा हिंदी में मत लिखे, हिंदी में मैंने क्या लिखा, अच्छा ये, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। अब आइए वन बाय वन पढ़ लेते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग स्पीशीज की बात करते हैं, तो स्पीशीज में क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो स्पीशीज की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज नोन एज स्पीशीज। आपने पढ़ा था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, विच इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इज नोन एज पॉपुलेशन। याद आ रहा है? पॉपुलेशन पढ़ा था, पॉपुलेशन भी हमने पढ़ा था, ठीक। वन शुड एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द करेक्टर। ये आपको पता है, मैंगी फेरा इंडिका में बताइए बच्चों स्पीशीज क्या है, फटाफट बताइए। मैंगी फेरा इंडिका की स्पीशीज क्या है? इंडिका सोलेनम ट्यूबरसम, यानी पोटैटो की स्पीशीज क्या है बच्चों? ट्यूबरसम है। पैंथेरा लियो में स्पीशीज क्या है? लियोल, ठीक। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरसम लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, मेरे ख्याल से पहचानना आ गया। व्हाइल अदर फर्स्ट वर्ड्स मैंगीफेरा सोलेनम, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट्स वन अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इसमें देखने को मिलती है। बहुत ही आसान लाइन है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम इंक्लूड द स्पीशीज लाइक निग्रम, ठीक, मिलोनजीना एंड ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैम्पियंस, सबको पता है ना, होमोसैम्पियंस। तो सब लोग समझ जाओगे बाबू, अब तो समझ जाओगे ना निकालना कैसे निकालते हैं हम लोग जीनस और स्पीशीज को। ये तो बहुत आसान था। इसके बाद हम बात करते हैं जीनस की, तो जीनस में भी देख लो। अब जो होंगे, अब ये बताओ मुझे कि जीनस का फॉर्मेशन किससे होता है, जीनस का जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों किससे हो रहा है, जीनस का फॉर्मेशन स्पीशीज से हो रहा है, जीनस का फॉर्मेशन, अगर जीनस का फॉर्मेशन स्पीशीज से हो रहा है तो मैं यही कहूंगा ग्रुप ऑफ आ जाओ बाबू इधर, तुम काहे छोड़ के जा रहे हो हमें, जीनस का ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, इमेज मोर कैरेक्टर इज कॉमन कंपेरिजन टू स्पीशीज अदर जेनेरा। तो याद रहेगा स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। अब ग्रुप ऑफ जीनस को क्या बोल देंगे हम लोग, फैमिली, ठीक। तो ऐसे याद रखना, वी कैन से डेट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर द डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, लायन, पैंथेरा, लियोपार्ड, पैंथेरा पायरा, टिग्रिस, ऑल सिविल कॉमन फीचर्स, ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा डिफर फ्रॉम अदर जीनस कॉल्ड फेलिस। फेलिस जो होती है बच्चों, ये किसकी होती है, कैट की, किसकी, कैट की, ठीक है ना। और कैनेडी, कैनेडी फैमिली किसकी होती है बच्चों, लिख लीजिएगा, डॉग की। कैनेडी किसकी होती है, डॉग की होती है, याद रहेगा, बिल्कुल आसान पॉइंट है फैमिली। अब फैमिली की डिफिनीशन आप क्या बताएंगे, ग्रुप ऑफ जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम लोग क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस ऑफ स्पीशीज, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फैमिली आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। कितने लोगों ने फार्मूला याद है, एंडोइशियम, गाइनोइशियम, याद आ रहा है, अब की काजी, बाइसेक्सुअल, CAG, याद आ रहा है बच्चों, एंडोइशियम, गाइनोइशियम, यानी मैं इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं, एंडोइशियम आपको दिखाऊं और गाइनोइशियम, कैलिक्स, कोरल्ला, ठीक है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी, इस तरीके से आपने पढ़ा था कि ये एक होंगे, ये दो होंगे अलग अलग फैमिली का। तो इसमें जो हम लोग बता रहे थे वो किसके बेसिस से बता रहे थे, हम लोग वेजिटेटिव कैलिक्स, कोरल्ला, एंडोइशियम, गाइनोइशियम के बेसिस पे हम लोग फैमिली का फार्मूला निकालते थे। अगर आपको याद हो रहा हो, पोटैटो वाली फैमिली में 5-5-5, लिलिएसी में 3-3-3, याद आ रहा, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यानी यहाँ पे क्या है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ही जो है क्या है बच्चों, इसी के बेसिस पे क्या किया गया था, करेक्टराइज किया गया था फैमिलीज को। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 different genera, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी, है ना। एमंग एनिमल्स एग्जांपल जीनस पैंथेरा, लायन, टिग्रिस, लियोपार्ड पुट अलोंग द जीनस फेलिस, कैट, कैट की फैमिली, इन द फैमिली फेलिडी। सिमिलरली यू ऑब्जर्व दैट फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, डॉग की फैमिली कौन सी बच्चों, कैनेडी, कैट की क्या है, फेलिडी, कैट की फेलिडी, ये किसकी है बच्चों, कैट की है, ठीक, क्लियर। तो ये एक लाइन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल है बेटा, कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा फुल ऑफ निमोनिक से पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा इसको, जो है जरूर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर करिएगा। अब ऑर्डर, ऑर्डर में कुछ नई खास बात है, यू हैव सीन अर्लियर लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, जनरली ऑर्डर और अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आइडेंटिफाइड ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। ऑर्डर बींग हायर कैटेगरी, जाहिर सी बात है हायर जा रहा है हम लोग, नीचे से स्पीशीज, देन हम लोगों ने जीनस पढ़ा, देन फैमिली, देन ऑर्डर, तो हायर कैटेगरी है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, बताया था जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी घटेगी। Compared to different genera include family,
प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्यूसी एंड सोलेंसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना, पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर्स, किसके बेसिस पे, जो फ्लोरल करेक्टर्स की बेसिस पे, ठीक है ना। अब एनिमल में अगर बात करें, ऑर्डर कार्निओरा इंक्लूड्स, कार्निओरा में क्या आएगा बच्चों, कार्निओरस, दांत देखा है तुमने शेर के जो शिकार करते हैं वो कार्निओरस, लायन, ये सब क्या है कार्निओरस, जिसके दो कैनाइन आपने देखा होगा, जिसके कैनाइन दिखते हैं, कैनाइन आपने देखा होगा डॉगी के अंदर, या लायन कभी देखा हो तो दो दांत बड़े बड़े न्यूक्लियस निकले होते हैं कैनाइन, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कार्निओरस, उसको कार्निओरस में रखा गया है। अब क्लास की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो क्लास हम ये आपको पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम में झमाझम, इंक्लूड लेटर फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेट्स, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन प्लेस्ड इन दी क्लास ऑफ मैमेलिया, ऑर्डर इसका क्या होगा बच्चों, कार्निओरा होगा, डेट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, इनकी तरह, ठीक है ना, क्लास मैमल हैज अदर ऑर्डर आल्सो। अब फाइलम की अगर बात करें बच्चों, फाइलम हम लोग पढ़ेंगे, फाइलम भी पढ़ेंगे, और डिफरेंट क्लास आपको हमने बताया भी था, बहुत सारे क्लास हम लोग पढ़ेंगे, फिश के क्लास पढ़ेंगे हम लोग, है ना, अलग अलग में अलग अलग रखा गया है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ये हम डिटेल पढ़ेंगे बच्चों एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, All these based on common features, presence of notochord and dorsal hollow neural system, बहुत important है, are included in the phylum Chordata. Chordata, बच्चों कौन कौन से हैं कोई बता सकता है, Hemichordata को तो निकाल दिया गया था, Chordata जिसके अंदर क्या हो बच्चों, हम लोग difference पढ़ेंगे आगे, notochord present और dorsal hollow neural system। अब किंगडम की हम लोग बात करें बच्चों, आर एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड दी किंगडम, क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड दी किंगडम, एनिमलियन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ किंगडम, प्लांटी पढ़ेंगे हम लोग, ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट एंड कंपेराइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इसमें कोई टफ नहीं पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ आओ, ये पूछा जाएगा इस टेबल से क्वेश्चन बेटा, या तो उससे आएगा या तो इससे आएगा, आप लोग ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है या तो इससे आएंगे 2021 में, या तो बच्चों जो पहले बताया था उससे आएंगे, कंफर्म है, ये सबको याद होना चाहिए। अगर ये निमोनिक्स में बताऊंगा, सबसे पहले दो चीजें देखिए, आपको एकदम कंफर्म है उसमें कोई शक नहीं कि होमो सैपियंस का आप जीनस याद करें या फिर जो है आप इसकी स्पीशीज याद करें, है ना, इसका ऑर्डर भी आपको याद नहीं करना है कि मैन का याद रहता है प्राइमेटा है, क्लास भी आपको नहीं याद करना है, आपको पता है कि ये मैमेलिया है, फाइलम भी नहीं आपको याद करना है, आपको पता है ये कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। आप फैमिली होमिनिडी, फैमिली आप याद कर सकते हैं होमिनिडी, ठीक। अब हाउस फ्लाई में मस्का सबको पता है जीनस है, ये याद रखना है, इसकी फैमिली याद रखना है आपको और ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं बच्चों। इंसेक्ट सब आपको ये पता है क्लास इंसेक्टा है, अब फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, ये बात आपको पता है, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि हाउस फ्लाई, ठीक है ना, इसकी फैमिली क्या है मस्सीडी है, और ये डिप्टेरा इसका क्या है ऑर्डर है। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका में आपको ये पता है जीनस इसका, ठीक, आपको ये याद रखना है ना, कार्डियसी फैमिली होती है, क्वेश्चन आ चुका है, और इसका ऑर्डर स्पिंडल्स होता है। डाइकॉट पता है आपको, ये एंजियोस्पर्म के हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर ही जो है फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, जिम्नोस्पर्म में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, आपको सिर्फ ये दो चीज फैमिली और ऑर्डर आप याद करिए, यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये सब आप बता ले जाएंगे, गिरते पड़ते कैसे भी सही कर देंगे आंसर, लेकिन अगर ये चीजें दोनों याद नहीं है तो आप आंसर नहीं सही कर पाएंगे। वीट में ट्राइटिकम एस्टियम की बात करें, ट्राइटिकम आपको याद रहेगा, पोएसी और पोएल्स, इसमें आप कंफ्यूज बहुत भयानक तरीके से होंगे कि पोएसी था कि पोएल्स था, इसमें आप बहुत भयानक तरीके से जो है आप कंफ्यूजन होगा इसमें, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं। अगर आप देखें यहां पे तो दोनों चीजें पोएसी और पोएल्स, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम लग रही हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं, प्यार से कर रहे हैं मान जाओ,
लुपुर लुपुर कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे जो है पोएसी और पोएल्स में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक। फैमिली और ऑर्डर, पोएसी देखो फैमिली भी बड़ी है, पोएसी बड़ी हुई, ऑर्डर में छोटा है तो पोएल्स छोटा, याद रहेगा ये बेटा, याद रखना, ठीक ठीक। स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं बेटा, एक्चुअली बेटा चैप्टर छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं स्पीड वाइज से बढ़ा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से टेबल आप याद रखेंगे। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं बच्चों। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो होते हैं चार, इन्हीं चारों को हम लोग पढ़ना है। अगर हम लोग हर्बेरियम की बात करते हैं बच्चों, तो हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को रखते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आप जो है यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को बनाने के लिए जो है बच्चों पीछे, जी बेटा आज एक्चुअली स्लाइड बन नहीं पाई थी, ठीक है ना, आज स्लाइड बन नहीं पाई थी, नेक्स्ट टाइम हम इसको स्लाइड में ही जो है कन्वर्ट कराएंगे, और बीच में जो है दो स्लाइड हम स्पेस छोड़ेंगे ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं, जो समझाना है मैं लिख सकूं, ठीक है ना। मैं आज खुद एकदम परेशान हूं, बार बार चेंज करने में मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है, तो कल से ये नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन न लें। अब यहाँ पे देखिए हर्बेरियम की बात करें, अगर आपने यूपी बोर्ड में पढ़ाई की हो तो आपको दिया जाता था एक A4 साइज का पेपर होता था, उस पर आपसे कहा जाता था कि आपको बना के जो है प्रैक्टिकल की फाइल लेके आना है, तो उस पर आप क्या करते थे, मान लीजिए कोई रोज का प्लांट आपने उस पर चिपका लिया, क्योंकि आप चिपकाने में माहिर होते हैं, आपने चिपका लिया, अब उसमें लिखना है आपको कि किस जगह से लिया है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसको किस में रखा जाएगा, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी डेट कब कलेक्ट किया था आपने, तो उसमें सब लिखना पड़ता है। तो आर ड्राइड यानी पहले सुखवा लोगे, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, दीज शीट्स आर अरेंज्ड, फिर आप यही फाइल लेके जाएंगे एग्जामिनर के पास, जब आप एग्जामिनर के पास लेके जाएंगे तो एग्जामिनर ऐसे उसको फेंक देगा, और तुम्हें गुस्सा तो बहुत आएगी कि इतनी मेहनत से बनाया और मेरे सामने मेरी फाइल को फेंक दिया, और कुछ पूछा भी नहीं, कहा जाओ पास हो गए, है ना। तो यहां पे क्या है बच्चों, हर्बेरियम आप देखिए, हर्बेरियम बिल्कुल कितना बढ़िया दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम classifications, these specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse of repository for future use. The herbarium sheets also carry label providing informations about date, mark करिएगा बच्चों date, place of collection, किस जगह से उसको आपने निकाला, उसका English name क्या है, उसका local name क्या है, उसका botanical names क्या है, family उसकी क्या है, collector का name होगा, and हर्बेरिया आल्सो, ये लाइन बहुत पूछी गई है, क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ये बेटा मार्क जरूर करिएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों मान लीजिए सारी के सारी, पहले जब नहीं था जो है हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम, तो हम लोग क्या करते थे कि स्टोर कर लिया, अब आपने मुझसे कहा कि मुझे जो है रोज के बारे में जो है जानकारी चाहिए, तो हमने वो फाइल निकाली, फाइल निकालने के बाद मैंने आपको दो मिनट में सब कुछ बता दिया कि इसको इसने कलेक्ट किया था, इसका साइंटिफिक नेम ये है, बॉटनिकल नेम ये है, इसकी फैमिली ये है, मैंने सब कुछ आपको दो मिनट में बता दिया, तो इससे क्या है, क्यूक रेफरल सिस्टम है, ठीक है ना, इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ये पॉइंट याद रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों बॉटनिकल गार्डन की, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, अब देखिए बॉटनिकल गार्डन्स में क्या रखते हैं, लिविंग प्लांट्स फॉर देयर रेफरेंस, प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एंड ईच प्लांट इज लेबल फॉर इंडिकेटिंग बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इज फैमिली, फेमस बॉटनिकल गार्डन्स क्यू इंग्लैंड, ये बेटा बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स हावड़ा इंडिया, एंड नेशनल बॉटनिकल NBRI हमारे लखनऊ में ही है, NBRI कहाँ है बच्चों, लखनऊ में, कितने लोग लखनऊ से हैं यहाँ पे, कितने लोग ऐसे हैं जो लखनऊ से हैं और ये लोग गए हुए हैं, लखनऊ वाले जो अच्छी जगह हैं वहाँ नहीं जाते हैं, है ना, लखनऊ वाले जो है अच्छी जगह नहीं जाते हैं, बस जो है कहीं गोमती रिवर फ्रंट पे चले गए, यही सब पसंद होता है लखनऊ आईटीस को, यहाँ कोई नहीं गया होगा, जितने लोग हैं NBRI लखनऊ में कोई नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ तो सीधे लोग जाएंगे पढ़ने वाले बच्चे, तो यहाँ पे जब जाएंगे आप तो प्लांट के ऊपर उसका लिखा होता है बच्चों साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, वहाँ पे एक वो बना होता है चार्ट बना होता है, तो आप जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब म्यूजियम्स की बात करें अगर बच्चों, तो म्यूजियम्स में क्या होता है,
म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स कॉलेज. आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी म्यूजियम्स होगी, उसमें बहुत सारी चीजें. म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी. आपने देखा होगा कि एक जार होता है बच्चों, हमारे यहाँ जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट डे आपको जो है सबसे पहले दिन जो है आपको वो जो है डिसेक्शन हॉल में लेके जाएंगे जहाँ पे बॉडी पड़ी रहती है जिसको कैडवर कहते हैं. कैडवर बहुत सारे होंगे यानी डेड बॉडी होगी, उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व होगी जिससे स्मेल बहुत गंदी सी आती है. तो आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो नोज से जो है नजल डिस्चार्ज हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगता है, आप नोज बंद करते हैं तो वहाँ पर डांट पड़ती है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि आप डॉक्टर बनने आ रहे हैं तो आपको बॉडी की स्मेल को बर्दाश्त करना होगा. अगर नोज बंद करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो है जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो सबसे पहले कैडवर दिखाएंगे. कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, लड़कियाँ खासतौर से बेहोश हो जाती हैं, ठीक, लड़कियाँ बेहोश हो जाती हैं, ठीक. चलो आओ. म्यूजियम से कलेक्शन प्लांट्स एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार. प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, फॉर्मेलिन फिक्स्ड में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, दो चीज का मिक्सचर होता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का. एक बार देख लीजिएगा इसको, एनसीईआरटी में है केमिस्ट्री की. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड ड्राई स्पेसिमेंस. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग पिलिंग. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums are often a collection of the skeletal elements too. ठीक है ना. म्यूजियम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कलेक्शन करते हैं प्लांट. देखो म्यूजियम्स में प्लांट प्लस एनिमल दोनों का करेंगे, प्लांट प्लस एनिमल बोथ. लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया था आपको जो है हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ आप जो है किसका करेंगे बच्चों, प्लांट का कलेक्शन करेंगे. ये बात ध्यान में रखना, हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लांट को करेंगे बच्चा, और म्यूजियम्स में प्लांट और एनिमल दोनों को हम लोग करते हैं. क्लियर. चलिए अब देखिए जूलॉजिकल पार्क. कितने लोग गए हैं जूलॉजिकल पार्क, और प्यार से जूलॉजिकल पार्क को हम लोग बोलते हैं जू. प्यार से क्या कहते हैं, छू नहीं, जू कहते हैं. प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, आप निखिल वर्मा आप बेटा क्या कर रहे हो, आप नहीं पढ़ना है तो प्लीज यहां से जो है एग्जिट कर जाइए. किसी को हम अभी चेक करेंगे फिर तुम्हें बताते हैं हम. बिल्कुल बदतमीजी क्लास में नहीं चलेगी, अगर बदतमीजी करना है तो आउट हो जाओ, ठीक है ना. पता नहीं क्या मतलब, इतना सोच नहीं है तुम्हारे अंदर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है गलत गलत बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. बेटा जिसको पढ़ना हो वही आए, फर्जी यहां पे जो है ना रायता ना फैलाओ. अब जूलॉजिकल पार्क्स को हम लोग बच्चों प्यार से कहते हैं जू, ठीक है ना. बहुत सारे लोग गए होंगे. वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड इन दियर एनवायरमेंट्स एंड अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनिमल्स टू लर्न अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. आपको जब भी आप जाएंगे इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क में तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं ले जाने देते हैं, जैसे चिप्स नहीं ले जाने देते हैं आपको, है ना, पॉलीथीन नहीं ले जाने देते हैं, क्योंकि आप लोग भी जो है उसमें हो सकता है उसको खिला दो. कुछ खाने वाने अगर आप पैक करके ले जाना चाहते हो तो नहीं ले जाने देते हैं, हो सकता है आप एनिमल्स को खिलाओ उनको कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना. तो उनको स्पेशल केयर दी जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटेट्स. नेचुरल हैबिटेट्स की तरह हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दिस ईयर पार्क कॉल्ड जू. अब आप लोग कह रहे हैं हम लोग तो चिल्ड्रेन है नहीं, है ना. अभिषेक कह रही हैं कि हम तो हैं नहीं चिल्ड्रेन, हम जो है बड़े हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे. जाइएगा ये सब देखिएगा, ठीक है ना. इसमें एक लाइन जो है आप जरूर याद रखिएगा बच्चों,
कि स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है और वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखते हैं, ये देखो सब देखा होगा सब लोगों ने, है ना, देख लो भैया। अब की पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है बच्चों की, एहतेशाम भाई को जरा बुलाना, की पढ़ते हैं। की देखो पहले समझा देते हैं कि व्हाट इज की, ठीक है, की क्या है पहले समझ लो एक जगह पे, इसको मैं लास्ट में समझाऊं अगर स्पेस हो तो ज्यादा बेटर है। की को मैं पहले समझाता हूं आपको, स्पेस नहीं मिलेगी क्या मुझे, रुक जाइए बच्चा, की को मैं समझाऊं थोड़ा सा तुम्हें, क्योंकि की ऐसे मानने वाला नहीं है। चलिए इधर मैं समझाता हूं आपको की क्या है, बहुत दिमाग लगा के समझिएगा बच्चों, ये टॉपिक जो है किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी। की अभी यहीं पे रुकिए, क्वेश्चन कराने के लिए सीड इसमें डालना पड़ेगी। की समझिए बच्चों, की देखिए क्या है, मान लीजिए हम लोग की में क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, सम ऑब्जर्वेबल करेक्ट, कुछ करेक्टर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, बेस्ड ऑफ सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिसिमिलैरिटीज। जैसे मैं आपको कहूँ, एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए बच्चों ये है बैट, ये है कैट, ठीक, मैंने एग्जाम्पल ले लिया फिश, मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों फ्रॉग, मैंने एग्जाम्पल ले लिया फ्रॉग का, किसका ले लिया बच्चों फ्रॉग का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया फ्रॉग का, बैट हो गया, कैट हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों स्नैक का, स्नैक। अब मैंने कहा बच्चों, मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, चलो एक अलग से मैंने स्टेटमेंट दिया प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद दूसरा मैंने दिया स्टेटमेंट की एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। तो आप कहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है कहाँ बच्चों, यूकैरियोट में, है ना। और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आपने कहा कि सर प्रोकैरियोट में, यानी एक स्टेटमेंट मैंने दिया प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, लीड, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग लीड कहते हैं, क्लियर। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी यूकैरियोट के अंदर, अब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे कपलेट, क्या कहेंगे, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कपलेट। ईच स्टेटमेंट ऑफ द की, ये जो एक स्टेटमेंट मैंने दिया था इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस कॉल्ड लीड, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इस कॉल्ड लीड, ये भी एक स्टेटमेंट है इसको ही मैं लीड कहूंगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कपलेट। समझ पाए कपलेट और लीड, समझ पाए कि नहीं, कपलेट और लीड समझ पाए। ईच स्टेटमेंट, मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ये क्या है, लीड है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ये क्या है, लीड है। इन दोनों की अगर बात करें, दोनों क्या है, कपलेट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस मेरे में कम है लेकिन मैं इसको आपको पूरा समझाऊंगा बगैर समझाए जो है। अब देखिए यहां पे दिमाग लगा के समझिएगा, ये मैंने एग्जांपल लिया बच्चों बैट कैट, ठीक, इस पे तो चलेगा नहीं, बर्ड फिश स्नैक और फ्रॉग, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल। अब मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ ईयर,
प्रेजेंस ऑफ ईयर और मैंने कहा कि एब्सेंस ऑफ ईयर, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ ईयर, तो प्रेजेंस ऑफ ईयर को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अगर ये एक स्टेटमेंट हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या कहेंगे, लीड। एब्सेंस ऑफ ईयर ये क्या है, लीड। इन दोनों को क्या कहेंगे हम लोग, कपलेट। क्लियर, कपलेट कहेंगे। अब प्रेजेंस ऑफ ईयर में कौन कौन, किसमें किसमें ईयर पाया जा रहा है बच्चों, बैट के अंदर ईयर पाया जा रहा है और कैट के अंदर ईयर पाया जा रहा है। अब यहां पे एब्सेंस ऑफ ईयर किसमें किसमें है आप देखिए, डिवाइड करें, की यानी कुंजी, ये सबका ताला खोल देगी कि कौन किस क्लास में है, कौन सा फाइलम है, कौन सा स्पीशीज किस जगह रखी गई है। अब ईयर नहीं है, ईयर किसमें किसमें नहीं है, बर्ड हो गया, फिश हो गया, स्नैक हो गया और क्या हुआ, फ्रॉग हो गया। अब आपने कहा कि सर चलिए मान लेते हैं आपकी बात, और हम चाह रहे हैं कि और बताइए आगे, इनको ले जाना है। तो मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ विंग, क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ विंग पे क्लासिफाई करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ विंग्स की अगर बात करें और एब्सेंस ऑफ विंग्स, और क्या बात करें बच्चों, एब्सेंस ऑफ विंग्स। तो प्रेजेंस ऑफ विंग्स में इन दोनों में किसे पाया जाएगा, मैंने क्लासिफाई कर दिया बैट, किसको बच्चों, बैट को, और एब्सेंस ऑफ विंग्स किस में आएगा, कैट में। ये लो क्लासिफिकेशन हो गया। बर्ड अब किस में आती है, अब बताइए, यस यस एनालिटिकल इन नेचर। अब किस में आती है बच्चों, बैट, मैमेलिया है ना, उड़नछू मैमेलिया। अब ये एब्सेंस ऑफ विंग कैट। अब दूसरा मैंने यहां पे भी किया कि प्रेजेंस ऑफ विंग, प्रेजेंस ऑफ विंग्स और एब्सेंस ऑफ विंग्स, और मैंने क्या कहा, एब्सेंस ऑफ विंग्स। अब प्रेजेंस ऑफ विंग्स किस में आएगा बच्चों, बर्ड, एक ही है बर्ड, बाकी एब्सेंस ऑफ विंग्स में कितने लोग आ गए, तीन लोग, फिश, फ्रॉग और बच्चों क्या आ गया, स्नैक आ गया। अब फर्दर मुझे क्लासिफाई करना है, अब इनको भी और तोड़ना है, तो मैं कहूंगा कि प्रेजेंस ऑफ लिम्ब, प्रेजेंस ऑफ लिम्ब और एब्सेंस ऑफ लिम्ब्स, एब्सेंस ऑफ लिम्ब्स। तो प्रेजेंस ऑफ लिम्ब्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों किस में होता है, फ्रॉग के अंदर होता है। एब्सेंस ऑफ विंग्स की अगर लिम्ब्स की मैं बात करूंगा तो किसमें फिश और स्नैक। अब कुछ लोग ये ना कह दियो कि सर स्नैक में भी होता है, आपने लग रहा है ड्रैगन वार नहीं देखी है ना, ड्रैगन उसमें उसके पास भी लिम्ब्स होता है, ऐसा नहीं है बाबू। ठीक, अब इसमें भी इसको भी फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इन इन वाटर और एब्सेंस इन द वाटर, या एक्वेटिक और नॉट प्रेजेंट एक्वेटिक, फर्दर इसको भी, यानी ये जो की है सबका ताला खोल रही है, यानी कुछ कैरेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ को रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पे प्रेजेंस ऑफ विंग्स को मैंने एक्सेप्ट किया तो क्लासिफिकेशन बैट का बन गया, बैट चली गई उसमें, एब्सेंस ऑफ विंग्स कर दिया कैट आ गई। यानी कुछ कैरेक्टर को मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और मैंने पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। जैसे मैंने कहा तुमसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड है ना, ईयर पाए जा रहे हैं, फ्रंट में आई है, तो आप क्या सोचेंगे, आप मैमल के बारे में सोचेंगे, मैमलिया के मेंबर हो सकते हैं, है ना। बस बेटा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से समझ में आई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार जो है उसकी लाइन समझ लेते हैं। कह रहा है कि की इज एनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यही तो हम लोग कह रहे थे, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कपलेट कहते हैं पेयर। पेयर का मतलब एक प्रेजेंस ऑफ एक एब्सेंस ऑफ। इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। टू अपोजिट ऑप्शन ही तो था, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, एब्सेंस ऑफ विंग्स। तो हम लोगों ने दो अपोजिट ऑप्शन लिए। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ओनली वन, एक को मैंने एक्सेप्ट किया एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, जाहिर सी बात है, एक को मैंने एक्सेप्ट किया, एक को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
है ना, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, यानी प्रेजेंस ऑफ विंग्स अगर मैं कहूं तो वो एक स्टेटमेंट हुआ, वो क्या है, लीड कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों की हम बात करेंगे, अगर दोनों की बात करेंगे, बिल्कुल सही, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, नेचुरल व्यू तुम हो क्या, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली। हम बता सकते हैं उसकी फैमिली कौन सी है, मैं बता सकता हूं उसका जीनस कौन सा है, मैं बता सकता हूं उसकी स्पीशीज कौन सी है, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कैसी होती है बच्चों, एनालिटिकल इन नेचर, यही की है सबका ताला खोल देगी। अब तुमने पता चल गया विंग्स यानी बर्ड्स, बर्ड्स की अब तुम हर चीज बता सकते हो, तुम्हें मैमल्स के बारे में पता चल गया तो तुम मैमल्स की स्पीशीज बता सकते हो, मैमल का जीनस बता सकते हो, मैमल का ऑर्डर बता सकते हो, मैमल की क्लास बता सकते हो, मैमल्स का फाइलम बता सकते हो, है ना, यानी तुम सब कुछ जो है उसका बता सकते हो कि क्या होगा और कहाँ प्रेजेंट है, यानी तुमने उसका क्या ताला खोल दिया। यही की जो है कुंजी जो क्या करती है बच्चों, सबका ताला खोल देती है, सबका ताला जो है ये कुंजी खोल देगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट, हम लोग अब फ्लोरा फना और मोनोग्राफ्स कैटलॉग की बात करते हैं। फ्लोरा सब सबको पता होगा, आज मैं कहूंगा आप लोगों से फ्लोरा का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट की या एनिमल की, हम लोग प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, फ्लोरा। और फना हम लोग किसे कहते हैं, फना नहीं, वो वाला फना नहीं कि डूब के मर जाओ, फना हो जाओ, ठीक ठीक। आसो कैटलॉग, अब मोनोग्राफ्स में बता रहा हूँ क्या है कैटलॉग, क्या हुआ कैटलॉग क्या होती है बच्चों, हैंडबुक होती है, हैंडबुक होती है जिसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है स्पीशीज की। सम अदर मीन्स रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन द आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल नंबर ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया, दीज प्रोवाइड्स इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स आर यूजफुल इन, अब देखो मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स कैटलॉग ये सब क्या होता है कि हम लोग बच्चों इसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी स्पीशीज की, इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे फाउंड इन अ पार्टिकुलर, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ओनली वन टैक्सॉन। ये बात याद रखिएगा, मोनोग्राफ में किसी एक स्पीशीज को हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। मोबाइल से वो सेंड करो बस बेटा, क्वेश्चन हम लोग जो है 10 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है चलते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट लगेगा, 40 पे मैं छोड़ दूंगा क्लास को। वफा जान पा रहे कौन सा करना है, बस बेटा 2 मिनट हम लोग क्वेश्चन कर लें, बहुत जरूरी है, मैं सेंड करता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही आसान टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी जो है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, आई होप कि जो है सारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आई होंगी अब तक की। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आप बताइए मुझे एक सीतु कंजर्वेशन और इन सीतु कंजर्वेशन के एग्जांपल आपको अगर याद हो, ये भी बहुत बार नीट में पूछा गया है क्वेश्चन, एक सीतु कंजर्वेशन और इन सीतु कंजर्वेशन, तो याद रखिएगा बच्चों एक सीतु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल, जैसे जूलॉजिकल पार्क अभी हम लोगों ने पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, एक सीतु कंजर्वेशन के हैं,
है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इक सीतु कंजर्वेशन के हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछेगा। रिपीट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम यू, फ्रॉम हार्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कपलेट सर, सर अगर एक है तो की, यस नहीं, अगर एक है बेटा तो लीड कहेंगे, अगर एक स्टेटमेंट हमने दिया तो हम कहेंगे की, और अगर जो है पूरा है तो हम लोग बोलेंगे कपलेट, कपलेट। अगर पूरा है तो हम लोग कहेंगे बच्चों कपलेट बोलते हैं हम लोग, ठीक। कैटलॉग जो होता है बेटा ये बुक होती है, ठीक है ना, ये बुक होती है, अलग अलग ऑथर इसको लिखते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है ना, तो इनकी इंफॉर्मेशन होती है। एक सीतु, इन सीतु कंजर्वेशन जरूर याद रखिएगा बेटा, इन सीतु और एक सीतु, ठीक है ना। जेबरा करके याद रखिएगा, जेबरा, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी या सेंचुरी, ये बता दो मुझे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सफारी। एक सीतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी या सफारी, ये तगड़ा सवाल पूछ लिया है। चलिए कितना टाइम लेगा, बस बेटा दो मिनट, हम लोग जो है 20 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, बाकी 30-30 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना। वाइल्ड लाइफ सफारी, बिल्कुल सही बेटा, वाइल्ड लाइफ सफारी बिल्कुल सही। अच्छा नेशनल पार्क कितने थे बच्चों, इन सीतु कंजर्वेशन में नेशनल पार्क कितने थे? वेट बच्चों, हाँ नेशनल पार्क कितने थे इकोलॉजी में? 90 नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी कितनी थी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। बोटनिकल गार्डन 20 है, बोटनिकल गार्डन 20 है 12, 20 है बोटनिकल गार्डन 20 है 12, ना से नेशनल पार्क, ना से 90, ठीक, ना से नेशनल पार्क, ना से 90, 20 है बोटनिकल गार्डन 20 है 12, 448, मोर देन 448, वाइल्ड लाइफ। सर हम कर लेंगे, छोड़ो, ना से नेशनल पार्क, ना से 90, सही कह रहे हो, लग रहा है ना छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा हो गया हो गया हो गया, लास्ट में, लास्ट में। बस बस बेटा आ गया, दो मिनट नहीं, देखो दिख रहा है, नहीं हो रहा, नहीं जा रहा। नहीं तो सर बहुत लास्ट में है क्वेश्चन ना, हाँ मंजूर 448, चलो गूगल पर देख कर बताते हैं सर, ठीक ठीक। और जो है हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, कितना आ गया? 10-18। चलिए बेटा खुल नहीं रहा है, 121 से होगा। सर नहीं हो रहा आज बेटा, जो है आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे 10 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, आपका क्विज भी कराएंगे हम लोग, ठीक है ना, लिविंग वर्ड पे ही होगा। आइए बच्चों आ गया, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
लिविंग, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चों यूनिक फीचर्स बताइए, फटाफट बताइए अब, यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिक फीचर्स ऑफ क्यों सर? डी पार्ट, बिल्कुल सही, डी सही होगा बेटा, डी कौन सा सही होगा, डी, हाँ बिल्कुल सही, बस 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 ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, डी पार्ट होगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, बताइए सेल डिवीजन अकर्स इन, सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट्स, कैसा होगा बच्चों, सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर अनलिमिटेड, ठीक है ना, और एनिमल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक सर्टेन स्टेज तक होगा, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए दूसरा बताइए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इनक्लूसिव इवेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स कह रहा है बच्चों, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन और बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, ठीक, तो सेकेंड, आइए इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या होगा बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी सी ऑप्शन, कौन सा जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। फोर देखिए, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोज फ्रॉम एक्सटर्नल सर्फेस बाई कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट, ग्रोज फ्रॉम इंटरनल सर्फेस लाइक लिविंग डू नॉट ग्रो एट ऑल, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बच्चों ग्रो कैसा करता है, ये एक्सटर्नली ग्रोथ होती है, तो कौन सा सही होगा, ओनली फर्स्ट। बताइए इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी हैव फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू, क्या होगा बच्चों, बताइए सिक्स का फटाफट, बस 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 का बच्चों कौन सा होगा, फर्स्ट। सेवन बताइए, फंजाई फिलामेंटस एल्गी द प्रोटीनम मास इजीली मल्टीप्लाई बाय, किससे होगा, बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा में पढ़ा था, बाइनरी फिजन अबीमा में, रिजनरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा बच्चों, कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन, बस सर दो और, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सक्लूसिव अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन ऑन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बताइए बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन में, फोटो पीरियड पढ़ाया था, फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब लाइट, जाहिर सी बात है मौसम ठीक ठाक है तो रिप्रोडक्शन झमाझम होगा, अगर लाइट ठीक ठाक नहीं तो रिप्रोडक्शन, यानी मौसम ठीक ठाक नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तो यानी ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नाइन बताइए, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी नॉन एज, नॉन एज क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, क्लियर, तो कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट, यहां से कौन सा होगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म। अब बताइए दसवां, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड रिफर द नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडायवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, बताओ फटाफट, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कितनी है बच्चों, बायोडायवर्सिटी 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन है ना, बायोडायवर्सिटी जाएगा,
अब ये बताइए ICBN स्टैंड फॉर, ICBN स्टैंड फॉर बच्चा पार्टी घमाघम आंसर दो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, कौन सा होगा, इंडियन हो या इंटरनेशनल, ये कौन सा कोड है, इंटरनेशनल है ना, कौन सा है बच्चों, इंटरनेशनल नॉट इंडियन, धोखे में लगा ना दियो, तीसरा चौथा जाएगा ये पहला वाला होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन। अब ये बताइए बायनोमियल नॉमनक्लेचर मींस, बायनोमियल नॉमनक्लेचर गिवन बाय लिनियस, क्या था इसमें, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, सेकंड स्पीशीज स्मॉल, क्लियर, तो कौन सा होगा बच्चों, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, बहुत गलत, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी होगा। ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जवाब बहुत लेट आता है इन लोगों का। चलिए कौन सा होगा बच्चों, बी, घमाघम जवाब दो इसका, बताइए प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली कैपिटलाइज्ड, पूरा पढ़ना तभी समझ में आएगा, बताओ किसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में किसको लिखते हैं बच्चा पार्टी, जीनस को या स्पीशीज को, ऐसे बोला करो 13 का ये, तब मजा आएगी, 13 का पूरा पढ़ना तभी समझ में आएगा। सी दीपांकर पांडे बिल्कुल सही, मीना बिल्कुल सही, बहुत सही, ऐसे ही बस जवाब दो तुम लोग, मजा आएगी। अब बताइए इसका, ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू एज सिस्टमेटिक्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, क्या कहेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशंस कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन, क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन बच्चों कहेंगे। चलिए बताइए सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉमनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, डायवर्सिटी ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशन, बताइए 15 का कौन सा होगा बच्चों, फटाफट 15 का बताइए, 15 का डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन। लास्ट टैक्सॉन इज अ, टैक्सॉन क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्पीशीज बोलते हैं, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन और स्पीशीज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। 16 का फटाफट बताओ बच्चों, 15 का ए, 16 का क्या होगा, ए होगा या डी होगा, 16 का कौन सा होगा बच्चों, डी होगा, 16 का डी, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ट्रेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग, नेम ऑफ द लिविंग फैसिलिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन। 17 का बताइए, 17 का कौन बता रहा है मुझे, 17 का कौन सा होगा बच्चों, डी होगा, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। 18 बताइए, विच ऑफ, ओ शिट, 19 बताइए, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैमिलीज को किस पे कैरेक्टराइज्ड किया गया था, मैंने बताया था कि फैमिलीज को कैरेक्टराइज्ड किसके बेसिस पे किया गया था बच्चों, फैमिली को कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, एंड्रोइशियम गायनोइशियम कैलिक्स कोरल्ला के बेसिस पे, याद आ रहा, एंड्रोइशियम गायनोइशियम कैलिक्स एंड कोरल्ला के बेसिस पे हम लोगों ने किया था, ठीक, तो यानी इस कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। चलिए 20 बता दीजिए, बहुत छोटा सा है, ऑर्डर जनरली इंड्स विद, अब याद आएगा तुम्हें पोएल्स और पोएसी, बताओ पोएल्स और पोएसी याद आ रहा है, पोएल्स क्या था, ऑर्डर था, पोएसी क्या है, फैमिली, तो ऑर्डर किस पे इंड होता है, एल्स पे होता है या एसी पे या एई पे, बताइए फटाफट,
एल्स पोएसी और पोएल्स, यही तो पढ़ा था, पोएसी फैमिली है, तो कौन सा जाएगा पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, मोनोग्राफ का यूज करते हैं या मैनुअल का या फ्लोरा या पेरिडोइकल, बताइए फटाफट, खत्म करते हैं अब इतना ही, बाकी तुम लोग कर लेना घर पे बेटा। ठीक, कौन सा होगा बच्चों, बी मैनुअल का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं बच्चा, मैनुअल का यूज करते हैं। बाकी इसमें 30 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं डीपीपी के फॉर्म में, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन मैनुअल को हम लोग यूज करते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मुझे 90 में 90 चाहिए, जो टेस्ट होने वाला है 6 चैप्टर का आपका, अगर 90 में 90 नहीं आया तो फिर समझ लेना। ठीक, तो चलिए इतना।